बांदा में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। घटना भवानीगंज कस्बे की है, जहां घर में डाका डालने गए चोरों ने एक 80 साल की महिला के साथ पहले दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और जब महिला ने शोर मचाना शुरू किया तो चोर घर में रखा कीमती सामान लूटकर मौके से फरार हो गए। वहीं बुजुर्ग की आवाज सुनकर जब परिजन मौके पर पहुंचे तो बुजुर्ग की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। आनन-फानन में परिजनों ने बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और घटना की सूचना पुलिस को दी। हमारे पास एक 80 साल की वृद्ध महिला आई थी जो अथर्रा की रहने वाली थी। उसमें उनके परिजनों ने बताया कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है और हमने उनका चेकअप किया है और एक्सटर्नल चेकअप किया है और आंतरिक जाँच के लिए हमने महिला अस्पताल भेज दिया है। वहाँ जाँच करने के बाद ही पता चलेगा कि वास्तव में क्या हुआ था इनके साथ। महिला तो कॉन्शियस थी और उसके परिजन बता रहे थे कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है। उसी आधार पर हमने जो है उनको महिला अस्पताल भेजा है। वहाँ रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि इनके साथ क्या घटना है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने पीड़ित बुजुर्ग महिला की तहरीर पर मामले को दर्ज कर लिया और कार्रवाई करते हुए आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया है। सुबह 8 बजे के ऊपर सूचना मिली थी पुलिस को कि भवानीगंज कस्बा थर्रा में एक महिला के साथ कुछ गलत कार्य किया गया है और लूट हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में प्रथम दृष्टया मामला देखा आ रहा है और मामले की जांच की जा रही है और जो भी आरोपी जिसका नाम द्वारा लिया गया उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी आगे की जांच की जा रही है, जाँच के आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। वृद्धा ने जो बताया है, पायल की बात कही है, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद ग्रामीणों में आरोपी चोर के खिलाफ काफी गुस्सा है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस को चाहिए कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले इस मामले में आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि बुजुर्ग महिला को इंसाफ मिल सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए बांदा से जफर अहमद की रिपोर्ट।